ऊना के SDM जतिन लाल ने बाथू गांव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करा और साथ ही उन्होंने कहा कि आज जिला ऊना में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। अब तक 3 शव बरामद हुए और एक बच्चे के लापता होने की भी सूचना मिल रही है। SDRF मौके पर पहुंच गई है। हमारा प्रयास है कि प्रवासी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और उनके भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। पूरा प्रशासन राहत कार्यों में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। सरकार लोगों के साथ है और उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। जिला ऊना में बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी हम बात की बात रही है हमारे जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज है वहाँ पर ही मैंने भी देखा तो काफ़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में बहुत नुकसान हुआ करोड़ों का। और अभी हमारे यहाँ पे 3 जो है डेड बॉडीज भी रिकवर हुई हैं और एक बच्चे के अभी मिसिंग होने की भी हमारे पास खबर है, जिसके लिए हमने SDRF को इन्फॉर्म कर दिया। तो हमारी यही कोशिश है कि हम जितना जो लोग हैं उनको जो माइग्रेंट्स हैं उनको हम रिलोकेट करके उनके खाने पीने और रहन सहन उस चीज़ का हम अभी इस टाइम पे ख्याल रख सकें। इसके अलावा अभी एक खबर हमें आई थी हमारे तहला के जो है वासी और जेजो के पास एक हादसे में उनकी जो है गाड़ी खड्ड में गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है और इसमें हमारे जो टीम है वहाँ पर उनके साथ मौजूद है। जो उनकी बॉडीज़ हैं उनको होशियारपुर में सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ से उसके बाद वो हम उनको यहाँ पर लेकर आएंगे। तो जो है पूरा प्रशासन इसमें यही कोशिश कर रहा है कि जो हमारे लोगों को राहत कार्य हो सके और जितना भी हमारा जो नुकसान के बाद जो लोगों को इम्पैक्ट हुआ है उसमें हम उनको राहत और थोड़ी मदद जल्द से जल्द दे सकें।